देखो कौन कौन आया है हमारे घर पे। हाँ देखो, हाँ आ गई अपनी सिस्टर, सिस्टर की बेटी लोग। तो ये यहाँ पे नाश्ता पानी चल रहा है, खजूर खा रही है ये अपनी तरन्नुम। नाम क्या तेरा है? तरन्नुम, कैसा लग रहा है ये बाल्टी वाला? मुल्तानी मिट्टी से खजूर खा रही है। मैं तो झूठ बोला था कि वो कुछ है खाने वाला, वो तो मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाने वाला है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज इधर इंडिया में दूसरा दिन हुआ और मन वगैरह उतना लग नहीं रहा है और बोर भी हो रहे हैं, क्योंकि अपना जो यूट्यूब वगैरह सब वीडियो वगैरह कुछ भी देखने उखने का नहीं मिल रहा है। तो वही अपना इधर बेसमेंट पे है ये घर, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल पकड़ ही नहीं रहा है। जो मैंने रिचार्ज करवाया था जियो का सिम, वो इसमें आने के बाद उस पर लिख दे रहा है इमरजेंसी कॉल। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन शॉट, उस पर लिख दे रहा है इमरजेंसी कॉल ओनली, नो सर्विस। तो ना कुछ मोबाइल देखने को मिल रहा है, ना कुछ टीवी वगैरह है इधर। ऐसे बैठे बैठे बस सोच रहे हैं, अगर कुछ देखना है तो घर से बाहर जाओ, वीडियो अपलोड करना है तो घर से बाहर जाओ। तो इसीलिए मैंने एयरटेल का स्ट्रीम फाइबर बुक कर दिया, वही लगवा देता हूँ इधर रूम में। अब देख सकते हो हम लोग तीन फैमिली में हैं। मेरा मोबाइल में अलग 400, नाजिया के मोबाइल में अलग 300-400, अमी के मोबाइल में अलग। तो उसी का ले देकर 700-800 रुपया ऐसे अलग अलग रिचार्ज हो ही रहा है। वही अपना 400-500 में आएगा अनलिमिटेड, सब लोग इधर चलाएंगे रूम में और अच्छे से चलाएंगे। और सभी का ही नहीं चलता है, मेरा तो और भी नहीं चल रहा है, उनका थोड़ा बहुत चल भी जाता है इधर उधर बैठते हैं, तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो बुक किया हूँ मैं, अभी देखो वो बोला है शाम के 5 बजे तक आने का। तो देखो आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना दूध और ये रोटी, ताज़ा ताज़ा बना हुआ है दूध में, रोटी तोड़ के खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ मैं। आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो। तो चलो दोस्तों, अपना दोपहर का खाना आ गया। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद बस यही कर रहा हूँ, खाना खाना सोना, खाना खाना सोना। ये दाल चावल है, ये चोखा है आलू का, और ये सब्जी है परवल का। तो यही सब खाने जा रहा हूँ मैं, आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो। तो चलो देखेंगे आज दिन भर में क्या क्या ड्यूटी रहता है, ड्यूटी बोल रहा हूँ, क्या क्या काम रहता है देखेंगे। चलो मैं खा लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, वो अभी वो एयरटेल स्ट्रीम फाइबर वाले आने वाला था और इधर बारिश होने लगा खूब धनाधन। देखो इंडिया में आने के बाद मेरा ये पहला बारिश जो मैं देखा अभी, और आज ही मैं वाईफाई लगाने के लिए बुक कर दिया हूँ। और वो अभी लोकेशन मंगाया है, देखो आप आता है या नहीं आएगा, तो फिर क्या बोलेगा, लगाएगा कि नहीं। तो मैं इधर आया था, ये केबल वाले भी कनेक्शन करते हैं वाईफाई का, पूछने के लिए कि कितने रेट में ये लोग करते हैं। तो बोल रहे 1500 शुरुआत में लेगा और हर महीने 500 से 600 रुपये, 100 Mbps वाला स्पीड रहता है। एयरटेल वाला ही सही है, 2000 में 6 महीना फ्री, ये 1500 में बस 1 महीना फ्री देने को बोल रहे हैं। वही मैंने वो एयरटेल का बुक किया है, वो बोला है कि आधा घंटा में आता हूँ, देखो आता है या नहीं। तो अभी खजूर खाएंगे इसके साथ। तो दोस्तों अभी कॉल किए थे वो एयरटेल वाले, वो बोल रहे कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी 2 मिनट में पहुँचेंगे। तो अपने देखो यहाँ पे अपना सेटिंग करवा लूँगा मैं, यहाँ पे एक बोर्ड खाली रहता है हमेशा, तो यहीं पे अपना वो स्विच लगा रहेगा, यहाँ से पूरे अपने घर में वाईफाई फैला रहेगा। ये आ गए भाई लोग, अब चलो चल के अपना इंस्टॉलेशन करवाते हैं। तो ये बंदे अभी आए थे, अभी लगाएंगे नहीं,
अभी आए थे, पूरा ये डॉक्यूमेंट वगैरह एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन करके पैसे लेके चले गए। अब हो सकता है कल तक या फिर परसों तक आके फिर दूसरा इंजीनियर आएगा, इंजीनियर आके इंस्टॉल करेगा। बाकी पैसे का ये है कि 499 मतलब 500 मान लो, 500 एक महीने का है, और 6 महीने का अगर रिचार्ज कर लो एक साल तो पूरा जो इंस्टॉलेशन वगैरह हर चीज़ सब फ्री। तो वही वाला मैं किया तो ये करीब 3,500 रुपये का हुआ है। तो 6 महीने का टेंशन ख़त्म। 6 महीने अपने आराम से 40 Mbps के स्पीड में अपना अनलिमिटेड डाटा चलाओ। और ये आपका वही हो गया जो सऊदी में मैं अपना 150 का रिचार्ज करता था एक महीने के लिए, अभी 150 ये आपने समझो कि अपना 6 महीने का टेंशन ख़त्म। 6 महीने तक अपना जब तक इधर हूँ आराम से, कोई रिचार्ज वगैरह नहीं कराना पड़ेगा। अब देखो कल तक आके या फिर आज रात तक आके पता नहीं, जब भी आएंगे मैं आप लोग बताऊँगा अगले वीडियो में। देखो ये माँ साग बना रही है, बोल रही है कि सऊदी में बहुत तू चिकन चिकन खाया, अब तू साग साग खा। तो देखो साग बना रही है, आज यही खाना रहेगा अपना। तो देखो नाजिया मसाला पीस रही है, मसाला वाला साग बना रही है। सिलवट्टे पे मसाला पीसा जा रहा और साग वगैरह कट गया है, अभी साग बनेगा देखो। तो देखो ये इधर सीन चांद देख रही है नाजिया, और सीन चांद देखते देखते अपना चावल फ्राई कर रही है। दोपहर में ज़्यादा बना दी थी, चावल में ही खा रहा हूँ सिर्फ। इसमें ये रहा साग और आलू, साग आलू बंदा। तो देखो पिछली बार ऐसा कार्टून बांध के लेके आया था मैं, अभी तक रखा हुआ है और नाम भी लिखा है बड़ा बड़ा अक्षर में। देखो देखो ये सावे संसारी। तो ये आ गया अपना खाना, फ्राई किया हुआ चावल और ये साग आलू, इधर है रोटी, साग से कुछ रोटी खाएंगे। ये पानी आ गया अपना और ये फ्राइज, देखो ये रोटी। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करो। तो देखो कौन कौन आया है हमारे घर पे, हाँ। देखो हाँ आ गई अपनी सिस्टर, सिस्टर की बेटी लोग। पिछली बार छोड़ने गई थी, इस बार मिलने आ गए। हाँ इस बार एयरपोर्ट पे मिलने नहीं आई, मैं नाराज हूँ इससे। मैं तो बताया था आने से पहले ही, मगर तू आई नहीं। तो ये यहाँ पे नाश्ता पानी चल रहा है, खजूर खा रही है ये अपनी तरन्नुम। नाम क्या तेरा है? तरन्नुम कैसा लग रहा है ये पार्टी वाला? पहले पहले डुबो के खाओ, पहले डुबो के खाओ। हाँ ये डुबोई, ये खाई, और इसका एक्सप्रेशन देखो। इसका टेस्ट है मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी खा रही है देखो। तो नाश्ता पानी चल रहा है, मुल्तानी मिट्टी से खजूर खा रही है। मैं तो झूठ बोला था कि वो कुछ है खाने वाला, वो तो मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाने वाला। और तू खा गई। पानी